न्यूज़ नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान का सीएम त्रिवेंद्र ने किया फ्लैग ऑफ, 2 फरवरी से होगी शुरुआत। केंद्र और राज्य सरकार पर फिर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत, कुंभकारियों को लेकर संत अखाड़ों से की मुलाकात। देश में ग्रीन टैक्स लागू करने जा रही केंद्र सरकार, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचाने को उठाया कदम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 62 पदों पर निकाली भर्ती, 27 फरवरी तक ऑनलाइन करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान का फ्लैग ऑफ कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र ने इस दौरान अभियान में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रुति रावत एवं बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सविता महतो को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अभियान के लिए श्रुति रावत को 1.5 लाख रुपए का चेक भी दिया। आपको बता दें कि 5000 किलोमीटर तक यह साइकिलिंग अभियान लगभग 80 दिन तक चलेगा। उत्तराखंड एवं बिहार की ये बेटियां इस अभियान के माध्यम से अखंड हिमाचल, स्वच्छ हिमालय, कर्तव्य गंगा व महिला सुरक्षा का संदेश देंगी। इस अभियान की शुरुआत 2 फरवरी को बाघा बॉर्डर से होगी। इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम एवं नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश के टीजू में यात्रा पूर्ण होगी। खबर पूर्व सीएम हरीश रावत की, 27 फरवरी से हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत होगी। देश विदेश से श्रद्धालु यहां कुंभ स्नान के लिए पहुंचेंगे। कुंभ को सफल रूप देने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन इन सब के बीच कुंभकारियों से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नाखुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरदा ने कुंभ के आयोजन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लिखते हुए हरीश रावत ने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से कुंभ की उपेक्षा पर दुखी हैं। कुंभ की उपेक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही दोषी हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर विभिन्न संत अखाड़ों से भी इस संबंध में मुलाकात की है। खबर ग्रीन टैक्स लागू करने की, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से साफ करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसमें 8 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स के 10-25% की दर से फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं जिन शहरों में प्रदूषण काफी ज्यादा है वहां पर पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये रोड टैक्स का 50% तक हो सकता है। मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG, इथेनॉल, LPG और खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इस टैक्स में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को उन वाहनों का उपयोग करने से रोकना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर DRDO में भर्ती की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अप्रेंटिस के 62 पदों पर भर्ती निकाली है। सभी पदों के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। DRDO के इन पदों के लिए कैडेट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगर टाई होता है तो लोअर क्वालिफाइंग एग्जाम के नंबर कंसीडर किए जाएंगे। साथ ही चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कबूतरी देवी के बारे में। कबूतरी देवी एक भारतीय उत्तराखंडी लोक गायिका थी, जिन्होंने उत्तराखंड के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया। 70 के दशक में उन्होंने रेडियो जगत में अपने लोकगीतों को नई पहचान दिलाई। उन्होंने आकाशवाणी के लिए लगभग 100 से अधिक गीत गाए। कुमाऊं कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कबूतरी देवी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी थी। कबूतरी का जन्म 1945 में उत्तराखंड के चंपावत जिले में हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पिता रामकाली से अपने गांव में ही ली। उनके पिता एक प्रख्यात लोक गायक थे। विवाह के बाद पति ने कबूतरी देवी को आकाशवाणी और स्थानीय मेलों में गाने के लिए प्रेरित किया। वे संस्कृत कर्मी, आकाशवाणी के लिए गाने वाली प्रदेश की पहली महिला थी। उन्होंने पर्वतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाया। 2016 में 7वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने उन्हें लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। 7 जुलाई 2018 को अस्थमा व हार्ट की दिक्कत के चलते उनकी मृत्यु हो गई।
दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।